भाई संजय मध्य प्रदेश को जिन्होंने रजत पदक से सम्मानित किया, ऐसा वो हमारे बीच योद्धा संजय 12 नंबर की नसीब है। और वहीं पर भोपाल से निष्कर्ष मनोज बाली जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। मनोज भाई मैं निवेदन करूंगा कि एक बार आप हाथ उठाकर हमारे दर्शकों का अभिवादन करते हैं। यूं ही नहीं बाली भाई आपके लिए है कि यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है, यूं ही नहीं जमाने को कुछ करके दिखाया है, और यूं ही नहीं ताने मारने वालों का मुंह जिंद करके बताया है। अरे बेटा जितना तुमने पानी नहीं पिया उतना मनोज बाली ने पसीना बहाया है। तो आज इम्तिहान की घड़ी है, इतिहास रचेगा बाली, इतिहास रचेगा विद्यार्थी स्पोर्ट्स से नसरुल्ला बेंच। क्या कह रहे हैं भाई आप ग्राउंड में आ जाए, यहाँ के रेफरी में कमेंट्री करने में मजा आता है, आप उधर आ जाए। और साउंड मास्टर थोड़ा चेक करें, साउंड मास्टर डालने जिससे भाईजान को मजा आ जाए घूमने में। क्या खूबसूरत टैकल, इसमें लाजवाब टैकल देखना है फिलहाल, पहली सफलता आरसीसी भोपाल के लिए। और कुशल 110 नंबर की जर्सी में कुशल इस समय क्या कह रहे हैं कुशल, जो कि युवा खिलाड़ी है और बाली के शिष्य है। ये सभी जितने भी नए लड़के जो आप देख रहे हैं बाली भाई की मेहनत का नतीजा है। और लीजिए फिलहाल क्या जवाब मिला है नसरुल्लागंज की ओर से, तारीफ है काबिल। आज अगर यहाँ भी है तो ये मानकर चलिए शोला यहाँ भी है। अब देखिए इस मुकाबले की थाप देखिए, लीजिए इस समय विद्यार्थी स्पोर्ट्स नसरुल्लागंज की ओर से जीरो छह की जर्सी में आरसीसी भोपाल के समय कोर्ट में दस्तक दे रहे हैं। क्या बेहतरीन फुटवर्क इस खिलाड़ी के पास है, देखना इस समय बेहतरीन रनिंग हैंड टच का प्रयास। लेफ्ट कवर राम के लिए, सचिन के लिए माफ करिए, देखना है जीरो छह के रेडर इस समय एंटी रेड करके वापस आए हैं। स्कोर अभी भी एक एक के बराबर। मारुति क्लब खिचड़ी की टीम भी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अगली जैन साहब से मैं निवेदन करूंगा और कोर्ट नंबर जो भी टीम है जल्द से जल्द विक्रम स्पोर्ट क्लब और मारुति क्लब खिचड़ी दोनों टीमें ध्यान से, अंतिम 5 मिनट है आपको बस। आपके सामने इस समय आप देख सकते हैं